प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विश्रमा इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और बच्चों आज आपके PVC का लेक्चर नंबर 11। और यदि आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने आपका जो नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन उसे स्टार्ट किया था। आपको अगर याद है बच्चों तो हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये जो दो टॉपिक है हमारे उनमें जो पी यानी जो परम्यूटेशन है उससे रिलेटेड लगभग कंसेप्ट लगभग टॉपिक सारी कवर कर लिए। उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एग्जाम्पल थे वो भी डिस्कस करवाए जा चुके हैं। हाँ, लेकिन अब बच्चों जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन का एक बेसिक पोर्शन था उससे ही आपको रूबरू करवाया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे उनसे आपका जो लगभग कंसेप्ट या मजबूत स्ट्रांग हो जाएगा और जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ जो आपको बताया जा रहा है जो आपका मेन कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों देखो क्लियर, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि PVC यानी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनको रटने से तो काम नहीं चल सकता। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर मैं रट लूँ तो बच्चों इसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज बदलते ही पूरे क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और जो मैंने जो जो बातें अभी तक आपको बताई है, मैंने आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि एक बार आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर हमारे हुए हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर करके देखें। क्योंकि जो कई बार क्या होता है जो कि कुछ टाइम निकलती है ना बीच में, तो प्रीवियस टाइम में जो कि क्लासेस नहीं हो पाई उसकी वजह से शायद बच्चों के जो मेन कंसेप्ट है वो माइंड से निकल जाए या कोई बात जब भी आपको लगे ये कैसे कर दिया। तो एक बार बच्चों ये जिन बच्चों ने रिवाइज करके देख लिया है प्रीवियस लेक्चर्स को दोबारा देख लिया बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो बच्चों एक बार मेरे कहने से आप एक बार दोबारा उसको देखिए जरूर, क्योंकि आपको जो अगले का जो कंसेप्ट है वो बढ़िया समझ आएगा। क्योंकि अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समाप्त नहीं हुए हैं, कॉम्बिनेशन पे हैं बच्चों। आगे के जो क्वेश्चन अभी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंबाइंड भी हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें परम्यूटेशन भी हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आराम से पहले उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनिए, लिख रहा हूँ लग, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेन कंसेप्ट को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि 52 तास की पत्तों की एक गड्डी में से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है। मैंने जो क्वेश्चन में उसमें टोटल कार्ड कितने स्टूडेंट आपके पास है, पचास की गड्डी में आप जानते हो 52 कार्ड होते हैं, है ना। और आपको उसमें से चुनने कितने हैं, 4 कार्ड निकालने हैं। लेकिन उन चारों कार्ड को निकालने की कंडीशन क्या क्या हो, पहले तो 4 कार्ड निकालने की क्या कंडीशन है वो है। इसके बाद पहले तो 4 कार्ड निकालने वो बताएंगे, उसके बाद फर्स्ट में हमें क्या बताना है, चारों पत्ते एक ही प्रकार के यानी सेम कलर हो जाएगा, ठीक है, यानी चारों पत्ते एक ही प्रकार के। फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर का चारो, ठीक है। नंबर थर्ड फिक्स कार्ड, टू रेड एंड टू ब्लैक एंड टू ब्लैक। और फिफ्थ सभी पत्ते एक ही रंग के ही तो आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन एक बस ये समझाने के लिए क्वेश्चन को करने के लिए जो जो बातें जरूरी है वो मैंने लगभग यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ दोबारा आराम से सुनिए। ये कह रहे हैं कि आपके पास टोटल कार्ड है 52, ठीक है। टोटल कार्ड कितने आपके पास है, 52। इसके अलावा जो सेम कलर के कार्ड भी टोटल 4 कार्ड निकालने, आप चारों कार्ड सेम कलर के, जो कार्ड टोटल जो 4 तरीकों के होते हैं ना आपके पास, पान जिसे आप हर्ट करते हो, डायमंड, क्लब एंड स्पेंड, ठीक है। ये जो 4 कलर होते हैं जैसे हिंदी में आप कहते हो जैसे चेरी, ईंट, पान और इंग्लिश में जिसे आप कहते हो डायमंड यानी
इंट जिस हो गया और हाइट यानी पान हो गया, स्पैट यानी हुक्म और क्लब यानी चेन, क्लब हुक्म जो स्पैट चेन, ठीक है ये चलो। चलो सेम कलर की हो, उसके बाद डिफरेंट कलर की हो, चलो का एक एक हो, उसके बाद फेस कार्ड हो या इसके अलावा दो रेड हो, दो ब्लैक हो या ऑल रेड या ऑल ब्लैक, ठीक है देखो आराम से इसके नीचे को समझिए। सबसे पहले ये आपके पास जो 52 कार्ड है उसमें से आपको चार कार्ड को सिलेक्ट करना है। मैं ये कहता हूँ ये जो आपको 52 कार्ड में से सिर्फ चार कार्ड को सिलेक्ट करने की प्रोसेस है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है इससे कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो फिर तो बच्चों आप कोई भी चार कार्ड को निकालो, क्या दिक्कत है? फिर तो आप कोई भी चार कार्ड को निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 सी 4 का फॉर्मूला होगा, 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 52 माइनस 4 फैक्टोरियल क्या जाएगा स्टूडेंट, 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कर दिया 48 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल इज नाउ पार्ट ऑफ 52 51 50 एंड 49, 40 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 3 2 1। तो ये गया 13 पर, ये 17 पर, ये 25 पर, जब आप वैल्यू ले लोगे तो कुछ ही आंसर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो गुना भाग जो भी है वो आपके लिए छोड़ो ना, ठीक है। मैं सिर्फ मेन प्रोसेस बताऊँ, मैं तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चार कार्ड चुने हैं कोई भी चार कार्ड, क्या दिक्कत है? लेकिन जब मैं आपको ये कह दूँ कि जो आपके 52 कार्ड आपके आगे मुझे कोई चार कार्ड निकाल के दो, तो अगर मैंने आपके ऊपर कंडीशन लगाई है क्या? आप उनमें से मुझे कोई भी चार कार्ड निकाल के दे सकते हो? कोई फर्क मुझे क्या मतलब उससे? मैं ये बोल दूँ भाई इस कलर के होने चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए, तब तो कोई डाउट हो, मुझे तो सिर्फ चार कार्ड से मतलब, आपने कोई भी चार निकाल के दे दिए कोई दिक्कत नहीं। तो 52 C 4 क्लियर। ठीक है, अब प्रॉब्लम फर्स्ट ये कहते हैं सेम कलर के हो, या तो चारों के चारों ईंट के हो, या चारों के चारों पान के हो, या चारों के चारों चेड़ी के हो, या चारों के चारों भूकंप, यानी ऑल फोर कार्ड इंस स्पैड क्लब हार्ट एंड डायमंड। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या होती है? स्पैड लेकिन भूकंप दिन से क्लब चेड़ी याद रख ले, ले जाएंगे ना। तो अब क्या होगा कि ये 30 नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने ये बोल दिया बच्चों, मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ आज के इस लेक्चर को, हम सिर्फ इस एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एक क्वेश्चन के थ्रू प्रोसेस देखना कितनी कुछ कवर हो जाएगी आपकी। आप ये मतलब क्वेश्चन एक होगा वो प्रोसेस देखो ना क्या क्या कवर हो रही है। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपके टोटल 52 कार्ड है, मैंने बोल दिया कि चारों के चारों कार्ड मुझे एक जैसे चाहिए, यानी चारों के चारों एक ही कलर के चाहिए। यानी बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़े से समझने में आप गलती मत करना, कलर एक होने का मतलब चारों जैसे ही हो या चाहिए उसके, कई बार कलर एक होने का मतलब रेड और ब्लैक के कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो बुक की लैंग्वेज थी ना, वहाँ पे ये लिखा हुआ है लैंग्वेज सेम कलर वाली है लेकिन उसका मीनिंग दूसरा है, इसलिए मैंने इसे ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, या तो आप चारों के चारों यहाँ से लोगे, या यहाँ से लोगे, या यहाँ से लोगे, या यहाँ से लोगे, बस समझ आ गई ये नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट लेक्चर मैंने जो लिया था वो मैंने इसकी ही चर्चा की थी कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई यानी जोड़ और गुणा का कंसेप्ट कब होगा, कि जब क्वेश्चन के हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो मैं लैंग्वेज में या बोल लैंग्वेज में अगर हमें ऐसा लगे कि ये कंडीशन या ये कंडीशन या ये कंडीशन, तब तो प्लस करो और कंडीशन और दिस कंडीशन देन मल्टीप्लाई, यही कहा था। तो अब मैं जब बोलूँगा इस कंडीशन को तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे चारों चारों एक कलर के चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, या तो चारों के चारों में भूकंप खेलूँगा, या चारों के चारों में चिड़ी खेलूँगा, या चारों के चारों में इंट क्या होगी, या चारों के चारों या बोलूँगा ना, बस समझ आइए नहीं कि चारों के चारों एक ही कलर के होने चाहिए, तो एक कलर या तो चारों के चारों भूकंप होंगे या चारों या। तो इसका केस क्या बनेगा, 13C4 या तो मैं यहाँ से चारों के चारों निकाल लूँगा, या यानी प्लस,
यहाँ से क्या लगे चाहिए या एंड और इंग्लिश में जिसे आप बोल कहते हो हिंदी में कहते हो या और इंग्लिश में जिसे एंड होते हैं उसका मतलब ये होता है, मैं या बोलूँगा तो इसका मतलब ये है और बोलूँगा ये नहीं है, ठीक है याद रखना कई बार मेरे लैंग्वेज ही आपको डाउट आ जाता है। तो 13C4 यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4×13C4 नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको 4×13C4 नहीं लिख सकता हूँ। तो मुझे ये आएगा 13C4 13 12 11 10 4 3 2 1 4 से 4 3 6 3 2 ये हो गया 26 26 गुणा 11 207 286 कंसेप्ट में जाएंगे तो मुझे काम करो वीडियो को पूछ लो स्क्रीनशॉट लो इस एक क्वेश्चन के तरह से जो पांच पार्ट करूंगा ना तो 500 के 500 ये मान लो 5 क्वेश्चन के बराबर है, लेकिन इनके अंदर जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो मेन फोकस करना आपको। एक बार जल्दी से मुझे इसको वीडियो को पूछ लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए ये लिख लो क्योंकि ये शॉर्ट में होगा ना तो आपको इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है जल्दी से करो। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो अब उसके बाद की सेकेंड पार्ट तो इसका सेकेंड पार्ट ये कह रहे डिफरेंट पेयर चारों के चारों डिफरेंट हो मतलब ये यही कहता हूँ तुमसे आप भी यही बोलोगे तो और बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो ना फिर एक एक केस में और मल्टीप्लाई, ठीक है सेकंड केस में जो कंप्लीट है क्वेश्चन समझ आया होगा। थर्ड केस में ये बोल रहा है फेस कार्ड, लेकिन इसने ये बोला नहीं था ये सिर्फ इसको फेस कार्ड से मतलब है, जैसे मैंने मान लिया मैंने आपको बोल दिया फेस कार्ड मतलब जिसमें तस्वीर छपी होती है तस्वीर तीन ही पत्तों की होती है जैक क्वीन एंड किंग गुलाम बेगम बादशाह इन तीन के प्रत्येक कलर के तीन होते हैं यानी तीन इसके और तीन इसके लिए फिर इसका ठीक है। तो जैसा ही हुआ ये कुछ कुछ के सर आपने इस बार कंडीशन क्यों नहीं ली अलग अलग तो बच्चों क्वेश्चन की लिमिट को मुझे सिर्फ इससे मतलब है फेस कार्ड से मुझे चार पत्ते चाहिए जिनके चारों के ऊपर फेस कार्ड यानी कोई ना कोई तस्वीर बनी हुई हो, मुझे इससे मतलब थोड़ी ना कि वो हुक्म का हो ईंट का हो किंग हो क्वीन हो या जैक
मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ फेस कार्ड से मतलब है। तो यानी जो स्टार्टिंग वाला केस था, इन जब चार पत्तों से मतलब हो तो टोटल में से कोई भी चार निकालो तो फेस कार्ड से मतलब है। हाँ लेकिन 12 क्यों आया, ये बात है, क्योंकि बच्चों यदि मैं 52 लूँगा तो अगर 52 कार्ड में से बिना देखे कार्ड निकालूंगा तो जरूरी है क्या फेस कार्ड आएगा? नहीं आएगा। तो अगर मैं कार्ड निकालूँ, मुझे फेस कार्ड ही चाहिए, तो मैं 12 को निकालू ना। तब बच्चे में जो 40 कार्ड है उनको तो मैं लेके कर दूँ कि मेरे को किसी यूज के नहीं है, तो बच्चों जो यूज की कंडीशन है उन्हीं को रखना है। तो जब आपको मैं बोलूँ फेस कार्ड चाहिए तो आप 52 पत्तों को देखोगे या जो 12 फेस कार्ड है उनको देखोगे? आपका ध्यान सिर्फ 12 फेस कार्ड पे फोकस होगा कि भाई उनमें से कोई ना कोई ये कर सके। तो अगर समझे, इसलिए 12 सी फोर इसको जो सोल्व करोगे तो आ जाएगा 12 11 10 9 4 3 2 1। ये क्या 2 5 999 5 400 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ मैंने लिखा था 2 red and 2 black एंड 2 red and 2 black। तो 2 red निकालने के लिए आप कितने बचाओ 26। देखो ये मैं रेड की बोल रहा हूँ, मैं 8 या 5 नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ लाल होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो रेड चाहिए इसके दोनों आ जाए, इसके दोनों आ, दोनों देखे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ रेड कार्ड से मतलब है। तो मैं फिर 26 पे जाऊँगा ना एंड 26, तो 26 इंटू हो जाएगा 26 into 25 2 into 1, 26 into 25 2 into 1 13 हो जाएगा 13 into 13 25 into 25 हो जाएगा 169 into 625 कर सकते हो। मैं स्टूडेंट हो कर पाओगे ना, बस मजा नहीं। दो यहाँ से चुननी है, दो यहाँ से चुननी है, कोई दो चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके क्लियर। तो चलो लास्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऑल रेड एंड और ऑल ब्लैक। ये तो या तो चलो कि चलो लाल या चलो इस बार प्लस साइड यहाँ पे 4 है ठीक है। देखो ये केस था कि 2 लाल और 2 काले यानी 2 red and 2 black and और ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, तो मुझे चारों के चारों या तो मैं लाल निकालूंगा या चारों के चारों काले निकालूंगा, यानी या तो 4 के 4 red है या 4 के 4 black है। तो प्लस तो ये रहेगा 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 26 25 24 23 4 3 2 1 ये पूरा का पूरा गेट इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 into 26 into 22। तो बच्चों अच्छे स्टूडेंट हो सारे सारे ना, तो मल्टीप्लाई आप करोगे। तो अब बताओ बच्चों एक क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट देखो कितने मल्टीप्लाई डिवाइड किसे सिलेक्ट करना वो सारी बातें समझ आई या नहीं एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मेन कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? अब शायद कुछ हद तक आपको लगा होगा हाँ भाई कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होगा, टेंशन की बात नहीं बच्चों, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एक एक चीज़ मैं खुद कराऊंगा यहाँ पे कंप्लीट ठीक है। आपका एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन तो सारे हो या ना इसकी मैं नहीं गारंटी ले सकता, हाँ लेकिन एक एक कंसेप्ट उससे रिलेटेड जो जानकारी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे ठीक है। कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ही होगा ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, कंसेप्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।